तो गाइस आज जो है ना इतनी ज्यादा गर्मी है कि मैं आपको क्या ही कहूँ। वैसे तो दोस्तों टेम्परेचर है 37 डिग्री का। अब जो नॉर्थ इंडिया से मुझको देख रहे हैं वो लोग सोच रहे होंगे कि 37 में क्या होता है, लेकिन दोस्तों असम में 37 मतलब आप 52 53 जैसे इक्वल समझ लीजिए, क्योंकि दोस्तों गूगल में आ रहा है फील्स लाइक 52 डिग्री। एंड पसीना देखिए यार, ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है। कल शायद मैं गूगल में टेम्परेचर देख रहा था तो ह्यूमिडिटी 90%, बिलीव मी 90% की ह्यूमिडिटी थी। और भाई इतनी ज्यादा गर्मी है, पिछले 2 दिनों से घर में एसी है, लेकिन दोस्तों मैं मिडिल क्लास लोगों की जो है दास्ता मैं आपको अभी सुनाने वाला हूँ। ये है हमारा एसी पैनासोनिक का, लेकिन दोस्तों इसकी जो है दास्ता मैं आपको सुनाऊं। आज जो है पूरे दिन मैंने एसी चला के रखा था, यानी दोपहर को खाना खाने के बाद से लेकर जो है 3 घंटा 4 घंटा मैंने एसी चला के रखा था। और दोस्तों अब जो है मुझे मम्मी एसी लगाने को अलाउ नहीं कर रही। आपको पता है क्यों? क्योंकि हम मिडिल क्लास वाले हैं, बिल बहुत ज्यादा आएगा और रात को सोने के टाइम भी एसी लगाना पड़ेगा, तो अभी जो है मेरे को अलाउड नहीं है। एक बारी मेरी हालत के बारे में सोचो यार, इस रूम में इतनी गर्मी में मैं कैसे रहूंगा। एक काम करे क्या, इधर आओ, पास आओ, गाड़ी में चलते हैं, चल के जो है ना एसी में बैठते हैं, लेकिन पापा को मत बताना, वो सुनेंगे तो डांटेंगे। चलो गाड़ी में चलते हैं। ये है वो डेंट, आप एक बार देख सकते हैं। अब दोस्तों ये डेंट कैसे आया इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। एक्चुअली जो है ना दीदी की शादी थी तो गाड़ी कोई भी उठाकर ले जाता था, और कुछ दिन बाद जो है मैंने देखा कि गाड़ी में जो है एक डेंट आया हुआ है। अब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये जो है कहीं टकराई है या फिर कोई चीज़ इसके ऊपर गिरी है। तो भाई यहाँ पर आके जो सीन हुआ है कि जो डेंटिंग पेंटिंग करने वाला है, मतलब डेंटिंग जो उठाता है वो वाला तो गैरेज में वो तो है आज, लेकिन जो पेंटिंग करता है जो कलर करता है वो वाला बंदा जो है आज गैरेज नहीं आया है। तो शायद हमको आज सिर्फ वो जो है फिलअप आज हम कर ले, लेकिन कलर जो है शायद हम 2 या 3 दिन बाद ही कर सकेंगे। तो देखते हैं, आप पूरा वीडियो देखते रहिए, पूरे सीन को जो है मैं आपको पूरे भलते तरीके से जो है मैं आज आपको जो है पूरा सीन बताने वाला हूँ। भैया जो है पूरी अच्छी तरह से हमारी गाड़ी की डेंटिंग कर रहे हैं। अब हमने दोस्तों यहाँ पर कराना इसीलिए प्रेफर किया क्योंकि जो है ना टाटा के सर्विस सेंटर टाटा वाले जो है इस काम के लिए 9,000 रुपये मांग रहे थे, बस इतनी से काम के लिए। और यहाँ पर जो है लोकल मैकेनिक में मुझे डेंटिंग से 2500 रुपये की पड़ रही थी, तो मुझे लगा कि डेंटिंग जैसे काम जो है बाहर से कराना ही ज़्यादा किफ़ायती होता है, तो इसीलिए जो है हमने भैया से काम कराना ज़्यादा प्रेफर किया। यहाँ पर जो है दोस्तों हमारी डेंटिंग लगभग पूरी हो चुकी है, और आप जो है देख सकते हैं कि अब जो है पता भी नहीं लग रहा कि बोनेट में जो है कोई निशान था। अब फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे भी नहीं पता कि ये निशान जो है कैसे आया था, कहीं पर गाड़ी ठुकी थी या फिर कुछ चीज़ जो है गाड़ी के ऊपर आकर गिर गई थी, लेकिन डेंटिंग के बाद जो है गाड़ी अब बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। हालाँकि पेंटिंग अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि भैया नहीं है, पेंटिंग शायद 2-3 दिन बाद ही होगी, लेकिन डेंटिंग के बाद जो है अब बहुत ज़्यादा दिल को सुकून ज़रूर मिल रहा है। तो गाइस टियागो की डेंटिंग और पेंटिंग, असल में पेंटिंग नहीं हुई है अभी, सिर्फ डेंटिंग हुई है। पेंटिंग वाला बंदा जो है वो आज एब्सेंट था, मतलब गैरेज में वो नहीं आया था, तो पेंटिंग शायद कल या परसों होगी। लेकिन दोस्तों डेंटिंग करने के बाद जो है मैं घर पहुंच गया, लिटरली इतनी ज्यादा गर्मी है। आके ही जो है दोस्तों मैंने अपनी दाढ़ी थोड़ी सी ट्रिम कर ली, थोड़ा सा लड़की जैसा लग रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से आ जाएगी। और अब जो है दोस्तों मुझे जाना है मम्मी को लाने के लिए फ्रॉम हर ऑफिस, तो बिना किसी देरी के चलिए मम्मी को लेके आते हैं।
तो अगर किसी के भी मन में क्वेश्चन हो कि मैंने जो डेंटिंग कराई है तो मुझे टियागो की बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी, तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं दे सकता क्योंकि असल में मुझे पता ही नहीं है गाड़ी में जो है वो डेंट कब लगा था। एक्चुअली दीदी की शादी थी तो कोई भी गाड़ी लेके चला जाता था और कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि गाड़ी में जो है सामने एक डेंट आया हुआ है, तो मैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आप सबको पता ही है टियागो की बिल्ड क्वालिटी ए क्लास है ही। तो गाइज अभी जो है मैं मम्मी को लेने के लिए आया हुआ था, लेकिन दोस्तों रास्ते में ही जो है स्कूटी बंद हो गई। अब मुझे पता है इसके बंद होने का मेन कारण क्या है, तो बेसिकली जो है जो फ्यूल टैंक है जुपिटर का, चूंकि फ्यूल टैंक बाहर की तरफ है तो उसके अंदर जो है पानी चला गया है, जिसके कारण जो है बहुत सी बार ऐसा होता था कि पावर जो है कट हो जाता था, लेकिन मैं उस चीज को थोड़ा सा इग्नोर कर रहा था, लेकिन आज जो है स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो अभी जो है मेरे भैया आ रहे हैं मैकेनिक के साथ और उसको जो है अब हम ठीक करेंगे, और मम्मी को भी शायद भैया ही लेके आएंगे। तो बने रहिए, अगर कोई और होता तो मैं आपको दिखा भी देता कि कैसे स्टार्ट नहीं हो रही। लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं भैया। तो बाकी आप बने रहिए अपडेट्स के लिए, शायद इसके ठीक करने का प्रोसीजर आज मैं आपको ना दिखाऊं, लेकिन ब्लॉग को कंटिन्यू जरूर रखेंगे।